हर्षवर्धन जी, क्या चल रहा है? ये विपक्षी दल असहज है क्या कांग्रेस की बढ़ती ताकत से? हर्षवर्धन त्रिपाठी। देखिए मानक जी, इसमें जरा सा भी संदेह नहीं है कि कांग्रेस पार्टी का सेंटिमेंट बेहतर हुआ है। इस पे अगर कोई कहता है कि नहीं हुआ है तो ये आंख मूंदने जैसा ही होगा। और विशेष करके कॉन्टिन्यूटी में पिछले 1-1.5 साल में कांग्रेस की राजनीति दिखी है। ये जो सबसे बड़ा अंतर है जिसको लेकर कांग्रेस के नेता बहुत चिंतित थे, क्योंकि उनके नेता जी लोग इंटरवल पॉलिटिक्स करते थे, तो पहली बार है कि पिछले 1-1.5 साल से कांग्रेस के नेता लगातार राजनीति में है, जो जिसकी सबसे बड़ी जरूरत होती है किसी भी राजनीतिक दल। अब पांचल के नतीजे तो मैं बहुत उसको, जिसको कहते हैं कि बहुत परिवर्तनकारी और चमत्कारी, नहीं मानता हूं, लेकिन कर्नाटक के बाद देश की राजनीति में कांग्रेस पार्टी, विशेष करके अगर हम कहें कि ये सारे लोग कह रहे हैं कि हम परिवार हैं और सेकुलर वोट वाले हैं, तो उस सेकुलर वोट के पहले फर्स्ट प्रियोरिटी पे कांग्रेस पार्टी आ गई, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। और आज जो लोग कह रहे हैं, अभी मैंने सुना आम आदमी पार्टी कह रही कि कांग्रेस कंफ्यूज है, कमाल की बात यह है कि लोकसभा चुनाव में जो पार्टी नंबर 2 पर रहेगी वो दिल्ली छोड़कर चली जाएगी, और जिसकी स्थिति खराब हो गई थी वो बनी रहेगी। मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है, लेकिन कांग्रेस को भी ये बात समझना पड़ेगा कि ममता बनर्जी के बंगाल में उनकी जगह अभी नहीं है, और वहां मैं मानता हूं कि वो जो शर्त रख रही है ममता जी वो एकदम जायज है। जिन कम्युनिस्टों ने बंगाल को बर्बाद किया, और दुर्भाग्य से वही कम्युनिस्ट अब ममता जी के साथ है। अब ममता जी के धर्म संकट समझिए, अगर वो चली जाएंगी इनके साथ तो इनका वाला हिस्सा कब टूट के निकल जाएगा ये पता नहीं है। असली मुश्किल वहां है, और इसीलिए जितने विपक्षी दल हैं, आप अगर ध्यान से देखिए तो ज्यादा परेशान वो लोग नहीं, जैसे शरद पवार बहुत परेशान आपको नहीं दिखेंगे, क्योंकि उनको पता है जितनी झूमा झटकी होनी है वो हो रही है, कांग्रेस अपना हिस्सा पा जा रही है। परेशान कौन है? समाजवादी पार्टी है। परेशान कौन है? आम आदमी पार्टी है। परेशान कौन है? ममता बनर्जी है, क्योंकि इनको लगता है कि हमारे हिस्से में से कांग्रेस छीन कर ले जाएगी, वो बड़ी मुश्किल है।